हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे दाल सोयाबीन का कोफ्ता। दाल सोयाबीन हर मौसम में मिलता है, आपका जब मन करे, जिस मौसम में मन करे ये कोफ्ता बना के खा सकते हैं। चाहे इसे रोटी चावल के साथ खाइए, चाहे पूड़ी पराठा के साथ। इसके आगे चिकन मटन भी फीका पड़ रहा है, तो आइए देखते हैं टेस्टी कोफ्ता कैसे बनता है। आधा कटोरी लाल मसूर दाल को धो के पानी में भिगा दिए थे 8-9 घंटा पहले। ये दाल फूल गया है, ये टूट रहा है। दाल का पानी गिरा देंगे, दाल को स्ट्रेनर में छान लेंगे और 2-3 पानी और धो लेंगे। दाल को अच्छे से धुलेंगे। दाल को जार में डालेंगे, दाल को पीस देंगे। दाल को पीस के रेडी कर लिए हैं, अभी इसे साइड में रखेंगे। आधा कटोरी सोयाबीन को गर्म पानी में 20 मिनट पहले धो के भिगा दिए थे, ये फूल गया है। अब इसको हाथ में उठाएंगे तो इसको दबा के इसका पानी निचोड़ लेंगे। सोयाबीन का पानी निचोड़ लिए हैं, इसे प्लेट में रख दिए। अब जो सोयाबीन बचा हुआ है इसका भी पानी निचोड़ के प्लेट में रखेंगे। सोयाबीन को मिक्सर जार में डाल देंगे और इन्हें तरह तरह सा पीस लेंगे। सोयाबीन पीस के रेडी है। जिस बाउल में पिसे हुए दाल को रखे हैं उसी बाउल में पिसा हुआ सोयाबीन भी डाल दे रहे हैं। दाल सोयाबीन में आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे, 1/2 चम्मच दरदरा फूटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे। एक छोटा साइज का प्याज काट के रखे हैं और धनिया भी काट के रखे हैं। इन दोनों चीज़ों को बाउल में डाल देंगे। एक कटी हुई हरी मिर्ची डाल के इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। इसमें 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे और बेसन को भी दाल सोयाबीन के साथ इन सब चीज़ों के साथ मिला लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। हाथ में आयल लगाएं और इसका थोड़ा सा डो उठाएं। इस तरह से इसको घुमाएं और इसका कोफ्ता बना लिए। इसी तरह और भी कोफ्तों को बनाएंगे। सभी कोफ्तों को बना के रेडी कर लिए हैं। गैस पर कढ़ाई गर्म हो रहा है, इसमें आयल डालेंगे। आयल गर्म हो गया है, इसमें कोफ्तों को डाल दिए। कोफ्तों को 1 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, 1 मिनट बाद इन्हें पलटेंगे। अब कोफ्तों को पलट लेंगे। जब कोफ्तों को डाले थे तब गैस का फ्लेम हाई था, अब मीडियम लो कर दिए हैं। कोफ्तों को पलट पलट कर फ्राई करना है। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। जो कोफ्ते बचे हुए हैं इन्हें भी उसी तरह फ्राई करना है। दूसरे बैच का भी कोफ्ता फ्राई हो गया है, इन्हें भी निकाल लेंगे। सभी कोफ्ते फ्राई होके रेडी हैं। कोफ्तों को आप चाहें तो इसी तरह चाय के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो इसे ग्रेवी में भी बना के खा सकते हैं। कोफ्ते बन गए हैं, अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। गैस पर पैन गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें सरसों का तेल डालते हैं, सरसों के तेल में कोफ्ते बहुत टेस्टी होते हैं। आयल गर्म हो गया है, इसमें 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल दिए और थोड़ी सी जीरा डाल दिए। ये सब चीज़ें चटक रहा है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए। 1/2 मिनट तक लहसुन अदरक को भून लेंगे। मीडियम साइज का 1 टेबल पीस के रखे हैं, इसे भी डाल दिए, इन्हें भी मिला लेंगे। 1 मिनट तक प्याज को भी भून लेंगे। प्याज को पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। 1 बड़े साइज का टमाटर पीस के रखे हैं,
इसमें डाल दीजिए। आधा चम्मच नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच डालेंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर एक चम्मच डालेंगे, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। मसालों को ढककर 4 मिनट तक पका लेंगे। मसालों को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है, खुशबू भी अच्छा आ रहा है, मसाले इकट्ठे होने लगे हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे। सालन को ढककर 5 मिनट तक फूलने देंगे। सालन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कुत्तों को डाल देंगे। इन्हें मिला देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखे हैं। इन्हें ढककर 10 मिनट तक पकने देंगे। कुत्तों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल के मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब गर्मा गर्म कुत्तों को सर्व करेंगे। लाल मसूर का दाल सोयाबीन का कुत्ता खाने के लिए रेडी है। इसे चाहे रोटी चावल पूड़ी पराठा के साथ खाइए। इसके आगे चिकन मटन भी फेल है। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।